हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ सेल्स प्रमोशनल स्कीम्स के बारे में। बेसिकली जब भी हम कोई सेल्स प्रमोशनल स्कीम लाते हैं या हम अपने कस्टमर्स को कन्विंस करने के लिए उसको कुछ डिस्काउंट देते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम ल्यूक्रेटिव ऑफर देते हैं कि हम अपने कस्टमर को कन्विंस कर सकें, तो उन सभी सिचुएशन में हमें देखना पड़ेगा कि हमारी GST की एप्लीकेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी, और आएगी तो कितनी आएगी। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। एक बात मैं आपको और बता दूँ, यूजुअली क्या होता है कि जब भी हम कोई सामान खरीद के आते हैं, दैट मीन्स अगर हम कोई गुड्स अपने सप्लायर से लेकर के आते हैं, तो हमको उसमें टैक्स पे करना होता है, जिसको हम लोग इनपुट टैक्स कहते हैं। अब वो जो इनपुट टैक्स है, क्या उस इनपुट टैक्स का मुझे क्रेडिट मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा, ये सारी चीज़ें हमको आज इस वीडियो में डिस्कस करनी है। मैं हूँ सी देवेंद्र रहेजा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं उन डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स के बारे में। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेल्स प्रमोशनल स्कीम के बारे में जब भी हम डिस्कशन करते हैं तो हमारे पास तीन पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले कि अगर हम अपने गुड्स को सैंपल्स को फ्री में बांटते हैं तो सिचुएशन में क्या होगा, तो ये होगा हमारा पार्ट नंबर वन। दूसरा होगा कि अगर हम ऑफर्स देते हैं, लाइक एक के साथ एक फ्री, दो के साथ एक फ्री, तो इस सिचुएशन में हमें किस तरीके का बेनिफिट मिलेगा या किस तरीके की टैक्सेबिलिटी आएगी, जो हम लोग पार्ट नंबर बी में देखेंगे। और इसके अलावा हम डिस्काउंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि अगर हम अपने कस्टमर को कुछ डिस्काउंट देते हैं तो उस केस में हमारी टैक्सेबिलिटी कितनी आएगी GST के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सभी पार्ट हम आपको सेपरेट सेपरेट वीडियो में बताएंगे, और इन सबके वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना हो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं सैंपल्स और फ्री गिफ्ट्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर नंबर 92/11/2019 ऑफ GST, जो कि 28 मार्च 2019 को आया था, उसने इस बात को क्लेरिफाई किया है कि जो भी आपको ITC एप्लीकेबल होता है, जो भी आपको इनपुट टैक्स पे करना होता है, उस इनपुट टैक्स में आपको क्रेडिट की अवेलेबिलिटी किस तरीके से मिलेगी इन द हैंड्स ऑफ सप्लायर ऑफ द वेरियस प्रमोशनल स्कीम्स। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट, जैसा मैंने आपको बताया कि हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है सैंपल्स एंड फ्री गिफ्ट्स के बारे में। ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी हम अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, या अगर हम अपने प्रोडक्ट को फेमिलराइज करना चाहते हैं, तो हम अपने कस्टमर्स को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम सैंपल पैकेट्स देते हैं और उसे कहते हैं कि आप उसको देखिए, टेस्ट करिए, पहचानिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप मार्केट में जाकर के डिमांड करोगे। तो इस तरीके की वेरियस तरीके की बहुत सारे तरीकों की हम स्कीम्स निकालते हैं। इसके अलावा हम फ्री गिफ्ट्स भी बांटते हैं। आप मॉल चले जाते हो तो आपको छोटे छोटे पैकेट्स मिल जाते हैं कि गो एंड ट्राई दिस प्रोडक्ट, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो बट ऑब्वियसली चीज़ें आप मार्केट में जाकर के डिमांड करोगे। तो इन सिचुएशंस में जो भी हमारा टैक्सेबिलिटी आती है, उसको हम किस तरीके से डील करेंगे। सबसे पहले पॉइंट क्या, ये कहता है कि सैंपल्स विच आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन। भाई बट ऑब्वियसली चीज़ है कि जब वो गुड्स आप फ्री में बांट रहे हो तो उसमें आप कोई कंसिडरेशन तो नहीं ले रहे हो, कुछ पैसे तो नहीं ले रहे हो, डू नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई। देखो, जब भी GST के एप्लीकेबिलिटी आती है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि GST तभी एप्लीकेबल होगा जब सप्लाई होगा। सप्लाई का मतलब है आप कुछ कुछ ट्रांसफर कर रहे हो। तो अब ये जो ट्रांसफर कर रहे हो, उस ट्रांसफर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कंसिडरेशन भी मिल रहा हो। लेकिन मान लेते हैं कि आप ट्रांसफर तो कर रहे हो पर कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में GST ने क्या किया हुआ है, कुछ केसेस ऐसे बनाए हैं जो कि शेड्यूल वन में आते हैं, जो ये बताते हैं कि अगर आप कंसिडरेशन नहीं ले रहे हो तब भी वो सप्लाई माना जाएगा। मेरी बात को समझना, मैं सप्लाई के ऊपर ज़्यादा प्रेशर क्यों डाल रहा हूँ। देखिए, जब कोई भी प्रोडक्ट सप्लाई होगी, किसी भी प्रोडक्ट की अगर हम लोग सप्लाई कंसिडर करेंगे, तो उसके ऊपर जो भी मेरा टैक्स लगा है इनपुट के टाइम पे, उसका क्रेडिट हमें मिल जाएगा। आप ज़रा सोचिए कि कोई प्रोडक्ट अगर मैं 10 रुपये का लेकर के आया हूँ और वो प्रोडक्ट मैं फ्री में बांट रहा हूँ, ठीक है, तो 10 रुपये तो मेरा नुकसान हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, मैं समझ में आ रहा है। लेकिन जो 10 रुपये का प्रोडक्ट मैं लेकर के आया हूँ, उस पर मैं कुछ टैक्स भी तो दे के आया हूँ, क्या वो टैक्स भी मेरा नुकसान हो रहा है, वो भी मेरा जेब से एडिशनल जा रहा है और कहीं ना कहीं वो मेरी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को बढ़ा रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट में मेरा पैसा बढ़ रहा है, यानी कि जो टैक्स का पैसा है, वो अगर मुझे कोई बेनिफिट दे दे तो उसमें कोई नुकसान तो है नहीं। वो टैक्स का पैसा अगर मुझे रिफंड मिल जाए इन फॉर्म ऑफ ITC, तो कोई नुकसान तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं मेरी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। तो यहां पर वही बात हो रही है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, पैसे देकर खरीदा है, टैक्स देकर के खरीदा है, और वो आप फ्री ऑफ सैंपल
एग्जांपल कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में क्या आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा? तो पॉइंट कहता है कि भाई सप्लाई होगा तो बिल्कुल मिलेगा, बट अब प्रॉब्लम ये है कि सप्लाई हो कैसे, क्योंकि सप्लाई के लिए तो रिक्वायरमेंट है कि कंसिडरेशन मिलनी चाहिए हमको, यहाँ पर तो मुझे कोई कंसिडरेशन मिल नहीं रही है। फिर बात और भी है कि शेड्यूल वन सप्लाई का ये कहता है कि अगर शेड्यूल वन में कोई पॉइंट आएगा तो उसको भी हम लोग सप्लाई कंसिडर कर लेंगे, यानी कि बिना कंसिडरेशन के अगर कोई सप्लाई हो रही है तो उसको भी हम लोग सप्लाई कंसिडर कर लेंगे। लेकिन शेड्यूल वन ने ये कह रखा है कि अगर आप अपने रिलेटेड पार्टीज़ को सेल कर रहे हो, या अगर प्रिंसिपल एजेंट को सेल कर रहा है, या एजेंट प्रिंसिपल को सेल कर रहा है, तो इस सॉर्ट ऑफ चीज़ें जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तब उस केस को तो बिना कंसिडरेशन को भी हम लोग सप्लाई मान लेंगे, अदरवाइज़ इसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। दूसरी चीज़, आप अगर यूँ कह लो कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को दे रहा है तो उस सिचुएशन में भी सप्लाई मान लेंगे, लेकिन अप टू 5,000 तक एग्जेम्प्ट रहेगा उसके बाद वाले पोर्शन को। तो यहाँ पे पॉइंट ये कहता है, आईटीसी शैल नॉट बी अवेलेबल टू द सप्लायर ऑफ द इनपुट्स इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स टू द एक्सटेंट दे आर यूज इन रिलेशन टू द गिफ्ट फॉर फ्री सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एनी कंसिडरेशन। बिल्कुल क्लियर कट इन्होंने कह दिया है, लॉ में ये बात लिख दी गई है कि अगर आप अपने गुड्स को, इनपुट गुड्स को, अगर आप अपने सप्लायर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, फ्री सैम्पल्स देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो उस सिचुएशन में आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट देते हो, विदाउट एनी कंसिडरेशन देते हो। हाउ एवर वेयर द एक्टिविटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट्स और फ्री सैम्पल्स फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ सप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविजन कंटेन इन शेड्यूल वन ऑफ द सेट एक्ट, द सप्लायर वुड बी एलिजिबल टू अवेल आईटीसी। अब भैया अगर ये सप्लाई के दायरे में आएगा तो ही हम इसमें आईटीसी की एप्लीकेबिलिटी लाएंगे। तो सप्लाई के दायरे में कब आएगा? जब वो शेड्यूल वन के किसी भी पॉइंट में अराइज करे। तो शेड्यूल वन के पॉइंट में अगर अराइज करेगा तो ही उसकी एप्लीकेबिलिटी आएगी। फिर अगला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि फिर आके शेड्यूल वन में कौन सी चीज़ें लिखी हैं जो विदाउट कंसिडरेशन हमारे लिए सप्लाई मानी जाएगी। आइए एक बार उसको भी देख लेते हैं। देर आर फ्यू ट्रांजैक्शन विच इवन विदाउट कंसिडरेशन आर कंस्टिट्यूट एज सप्लाई ऑल्सो नोन एज डीम्ड सप्लाई एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल वन। तो यानी कि शेड्यूल वन में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिनको सप्लाई माना जाएगा, जबकि उसमें मुझे कंसिडरेशन कुछ भी नहीं मिला है। तो आखिर कौन सी वो सप्लाई हैं, आइए उसको एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि अगर परमानेंटली मैं कोई एसेट को ट्रांसफर कर दे रहा हूं और डिस्पोज ऑफ कर दे रहा हूं, जो बिजनेस एसेट है जिसके ऊपर मैंने आईटीसी की फैसिलिटी अवेल कर रखी है, अगर कोई प्रोडक्ट जिसके ऊपर मैंने आईटीसी ऑलरेडी अवेल कर लिया और उस प्रोडक्ट को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, हटा रहा हूं, डिस्पोज ऑफ कर रहा हूं, इसके बाद भी वो उसमें जब ऑब्वियसली चीज है, जब मैं उसको डिस्पोज ऑफ करूंगा, उसको फेंक दूंगा, तोड़ दूंगा, हटा दूंगा, तो उस सिचुएशन पे जो सप्लाई है वो सप्लाई मानी जाएगी, क्योंकि डिस्पोज ऑफ करने पे मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है, वो हमें उसको हटा ही देता हूं, तो वो भी मेरी सप्लाई कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट बात आती है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिलेटेड पर्संस और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर आप अपने कोई बिजनेस में अगर कोई रिलेटेड पर्सन के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, भाई अपने दोस्त या रिलेटिव्स के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, अपने पार्टनर के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, अपने रिलेटिव्स के साथ अपने डायरेक्टर के साथ ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो ये जो ट्रांसफ़र है ये ट्रांसफ़र आपका रिलेटेड ट्रांसफ़र माना जाएगा, और उस सिचुएशन में भी इस केस में भले ही आप कंसिडरेशन ना लो लेकिन ये सप्लाई मानी जाएगी। दूसरी चीज़, इसमें यह बोला गया है कि चाहे वो बिजनेस के लिए हो चाहे ना हो, सॉरी विच मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, लेकिन इसके लिए कंडीशन लगा दी गई कि वो बिजनेस के लिए होना जरूरी है। और एक बात और बता दी गई है, प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट्स नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज इन वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज और बोथ। तो अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई सर्विस या गुड्स देता है अप टू 5,000 रुपीज तक, तो वो टैक्सेबल क्राइटेरिया के अंदर नहीं आएगा, वो सप्लाई कंसिडर नहीं किया जाएगा। 5,000 से ज्यादा होगा तो वो सप्लाई किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट बात आती है कि सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू एज एजेंट, और यहां पे बहुत सारी बात छुपी हुई है, ध्यान से समझेगा इस बात को। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। यूजुअली होता क्या है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर है और एक होलसेलर है, अगर उन दोनों के बीच में प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप है तब तो यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन अगर उसके बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है उस सिचुएशन में, यानी कि हम कंसाइनमेंट में गुड्स भेजते हैं, उस सिचुएशन में अगर मैंने अपने एजेंट को कोई गुड्स दे दिया, उस सिचुएशन में यहां पे सप्लाई मानी जाएगी भले ही कंसिडरेशन ना हो। या रिवर्स केस मान लो कि एजेंट ने अगर प्रिंसिपल को कोई गुड्स भेज दिया, जहां पे इन दोनों के बीच में प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है, वहां पे भी ये सप्लाई मानी जाएगी भले ही कंसिडरेशन हो या ना हो। और आखिरी बात आती है,
इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। अगर विदेश से अगर मैंने कोई भी सर्विसेज, याद रखिएगा यहाँ पे केवल बात सर्विसेज की हो रही है, विदेश से अगर मैंने किसी रिलेटेड पर्सन से कोई सर्विस ली है, भले ही मैंने उसका पैसा लिया हो या ना लिया हो, हमें यहाँ पे कंसिडरेशन इग्नोर करते हुए हम उसको सप्लाई मान लेंगे। तो इन सिचुएशंस में बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई मानी जाएगी और इन सिचुएशंस में अगर गिफ्ट दिया जाएगा तो ITC का बेनिफिट आपको मिलेगा। इसके अलावा जहां पे सप्लाई नहीं कंसिडर की जाती, वहां पे अगर आप गिफ्ट्स देते हो या फ्री सैंपल्स देते हो तो वहां पे ITC की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। वो आपकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, जो टैक्स आप पे करके आए हो इनपुट के टाइम पे, वो आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। होपफुली यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग this video. Have a nice day.